हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले फाइलम एस्केलेमिंथस। तो इनकी जो बॉडी होती है वो लंबी थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल होती है, इसीलिए हम लोग इनको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये राउंडेड होते हैं। ये एनिमल या तो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब या तो बाहर आसानी से रहते हैं आराम से, या फिर एंडोपैरासाइट, मतलब या तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर इन लोग प्रेजेंट रहते हैं, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डेवलप्ड नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी डाइजेस्टिव फूड खाते हैं तो डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। सो डायरेक्ट ये अपना एक्सक्रीशन कर लेते हैं। तो ये एनिमल्स फ्री लिविंग हैं, ये एंडोपैरासाइट रहते हैं, हम अंदर से हमें आम करते हैं। और ये एक्वाटिक रहते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। और इन एनिमल्स को बॉडी जो रहती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक रहती है और स्यूडोसिलोमेट रहती है, मतलब बॉडी कैविटी बनी तो रहती है बट वो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से नहीं बनी हुई रहती है, इसीलिए स्यूडोसिलोमेट। और तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये एनिमल्स की बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है और ये कवर रहती है टफ क्यूटिकल से। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और जो मेल एस्केरिस होता है वो फीमेल एस्केरिस से छोटा होता है। इसके एग्जांपल एस्केरिस, जो कि इंटेस्टिनल वॉर्म है, मतलब इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और लूलो आप लोग जानते होंगे, ये आई वॉर्म होता है, आँखों में कभी कभी पाया जाता है, और एक होता है फाइलेरियल वॉर्म। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं।